ऑडियो टू, पुस्तक का नाम सतयुग की वापसी, लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक, महान प्रयोजन के श्रेयाधिकारी बने। गिरने गिराने की, मिटने मिटाने की ध्वंसात्मक योजनाओं में अनेकों मनचले साथ देने, सहायता करने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं। होली जलाने का कौतूहल हेतु छोटे बच्चों से लेकर किशोर युवकों तक का एक बड़ा समूह लकड़ियां बीनने देखा जाता है। जब उस ढेर पर आग लगती है तो तालियां बजाने और हुल्लड़ मचाने वालों की भी कमी नहीं रहती। कठिनाई तब पड़ती है जब छप्पर छाने की आवश्यकता पड़ती है। बुझाने पर भी पड़ोसी तक आनाकानी और बहानेबाजी करते देखे जाते गए हैं। तब काम अपने बलबूते ही आरंभ करना पड़ता है। कवि टैगोर ने ठीक ही कहा था कि यदि सत्य प्रयोजन की दिशा में कुछ करना संजोना हो तो एकला चलो रे की नीति अपनानी चाहिए। गीताकार के परामर्श अनुसार सारा संसार जब मोह निद्रा में लंबी तानकर सो रहा हो, तब भी योगी के प्रचलन के विपरीत जागते रहने की जन सुरक्षा की हिम्मत जुटानी चाहिए। निविड़ अंधकार से निमटने के लिए जब माचिस की एक तीली अपने को जलाने का साहस संजोकर प्रकट होती है तो दीपक उस तीली के बुझने से पहले ही अपने को ज्योतिर्मय कर लेते हैं। इतना ही नहीं, दिवाली जैसे विशेष पर्वों पर प्रज्वलित दीपों का विशालकाय वाहिनी तक स्थान स्थान पर जगमगाती दृष्टिगोचर होती है। अकेले चल पड़ने वालों का उपहास और विरोध आरंभ में ही होता है, पर जब स्पष्ट हो जाता है कि उच्च स्तरीय लक्ष्य की दिशा में कोई चल ही पड़ा तो उसके साथी सहयोगी भी क्रमशः मिलते और बढ़ते चले जाते हैं। निष्ठा भरे पुरुषार्थ में अद्भुत आकर्षण होता है। उसका प्रभाव भले बुरे दोनों तरह के प्रयोगों में दिखाई देता है। जब चोर उचक के लावार, लफंगे, दुराचारी, वैभाचारी, नशेबाज, धोखेबाज मिलजुल कर अपने अपने सशक्त ग्रोह बना लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि सृजन संकल्प के धनी, प्रमाणिक और प्रतिभाशालियों को अंत तक एकाकी ही बना रहना पड़े। भागीरथ ने लोक मंगल के लिए सुरसरी को पृथ्वी पर बुलाया तो ब्रह्मा विष्णु ने गंगा को प्रेरित करके भेजा और धारण करने के लिए शिवजी तत्काल तैयार हो गए। नव सृजन में संलग्न व्यक्तियों में की कोई सहायता ना करे यह हो ही नहीं सकता। जब हनुमान, अंगद, नल, नील जैसे रीच वानर मिलकर राम को जिताने का श्रेय ले सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि नव सृजन के कार्य क्षेत्र में जुझारू योद्धाओं की सहायता के लिए अदृश्य सत्ता दृश्य घटनाक्रमों के रूप में सहायता करने के लिए दौड़ती चली ना आए। विपन्नताएं इन दिनों सुरसा जैसे मुंह बनाए खड़ी दिखती हैं। आतंक रावण स्तर का है। प्रचलनों के चक्रवात, भवर, अधर, तूफान अपनी विनाश क्षमता का नंग प्रदर्शन करने में कोई कसर रहने नहीं दे रहे। वासना, तृष्णा और अहंता का उन्माद महामारी की तरह जन जन को भ्रमित और संत्रस्त कर रहा है। नीति को पीछे धकेलकर अनीति से उसके स्थान पर कब्जा जमा लिया है। यह विपन्नता संसार व्यापी समूची जन समुदाय पर अपने अपने आकार प्रकार से बुरी तरह आच्छादित हो रही है। ऐसी स्थिति में 600 करोड़ मनुष्यों का विचार परिष्कार कैसे संभव हो? गलत प्रश्नों की दृश्याधारा उलट देने का सहयोग किस प्रकार मिले? जब अपना छोटा सा घर परिवार संभाल नहीं पाते तो नया इंसान बनाने, नया संसार बसाने और नया भगवान बुलाने जैसी असंभव दिख पड़ने वाली सृजन प्रक्रिया को विजयश्री वरण करने की सफलता कैसे मिले? निसंदेह कठिनाई बड़ी है और उसे पार करना भी दुरह है, पर हमें उस परम सत्ता के सहयोग पर विश्वास करना चाहिए जो इस समूची सृष्टि को उगाने, उभारने, बदलने जैसे क्रियाकलापों को ही अपनी मनोविनोद मानती और उसी में निरंतर निरत रहती है। मनुष्य के लिए छोटे काम भी कठिन हो सकते हैं, पर भगवान की छत्रछाया में रहते कोई भी काम असंभव नहीं कहा जा सकता।
विषम वेलाओं में अपनी विशेष भूमिका निभाने के लिए तो संभवामी युगे युगे के संबंध में वे वचनबद्ध भी हैं। फिर इन दिनों समस्त संसार में छाई हुई विपन्नता की वेला में उसके परिवर्तन प्रयास गतिशील क्यों ना होंगे। जराजीर मरासन में नवजात जैसे परिवर्तन प्रत्यावर्तन करते रहना जिनका प्रिय विनोद है, उसे इस अंधेरे को उजाले में बदल देने जैसा प्रभात पर्व लाने में क्यों कुछ कठिनाई होगी। युग परिवर्तन में दृश्यमान भूमिका तो प्रमाणिक प्रतिभाओं की ही रहेगी, पर उसके पीछे अदृश्य सत्ता का असाधारण योगदान रहेगा। कठपुतलियों के दृश्यमान अभिनय के पीछे भी तो बाजीगर की उंगलियों में बंधे हुए तार ही प्रधान भूमिका निभाते हैं। सर्वव्यापी सत्ता निराकार है, पर घटनाक्रम तो दृश्यमान शरीरों द्वारा ही बन पड़ते हैं। देवदूतों में ऐसा ही उभय पक्षीय समन्वय होता है। शरीर तो मनुष्यों के ही काम करते हैं, पर उन श्रेय अधिकारियों का पथ प्रदर्शन अनुदानों का अभिवर्षण उसी महान सत्ता द्वारा होता है। उपनिषद जिसे अणोरण्यान महतो महियान कहकर उसका परिचय देने का प्रयास करता है। हवाई जहाज के लिए उपयुक्त हवाई पट्टियां पहले ही विनिर्मित करनी पड़ती हैं। शयना अध्यक्षों के लिए साफ सुथरे सुरक्षित व उपयुक्त स्थान की पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है। जिस महान प्रयोजन में इन दिनों परमेश्वर की महती भूमिका संपन्न होने जा रही है, उसका श्रेय तो उन जागरूकों आदर्शवादियों और प्रतिभा संपन्नों को ही मिलेगा जिनने अपने व्यक्तित्व को परम सत्ता के साथ जुड़ सकने जैसी स्थिति को विनिर्मित कर लिया है। इसी आवश्यकता पूर्ति को चाहे तो युग साधना भी कह सकते हैं। शरीर व उनकी शक्तियों के भले बुरे पराक्रम आए दिन देखने को मिलते हैं। समर्थता कुशलता और संपन्नता की जय जयकार होती है, पर साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि इन तीनों क्षेत्रों में फैली अराजकता ने वे संकट खड़े किए हैं जिनसे किसी प्रकार उभरने के लिए व्यक्ति और समाज छटपटा रहा है। इन तीनों से ऊपर उठने एक चौथी शक्ति है भाव। यही देवी अनुदान के रूप में जब मनुष्य के स्वच्छ अंतरात्मा पर उतरती है तो उसे निहाल बनाकर रख देती है। जब यह अंतःकरण के साथ जुड़ती है तो उसे देवदूत स्तर का बना देती है। वह भौतिक आकर्षणों प्रलोभनों और दबावों से स्वयं को बचा लेने की भी पूरी पूरी क्षमता रखती है। इस एक के आधार पर ही साधक में अनेकानेक देवी तत्व भरते चले जाते हैं। युग परिवर्तन के आधार को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो तो इतना कहने भर से भी काम चल सकता है कि अगले दिनों निष्ठुर स्वार्थपरता को निरस्त करके उसके स्थान पर उदार भाव संवेदनाओं को अंतःकरण की गहराई में प्रतिष्ठित करने की, उभारने की, खोद निकालने की अथवा बाहर से सराबोर कर देने की आवश्यकता पड़ेगी। टाइटल: संवेदना का सरोवर सूखने न दें। संग्रह और उपभोग की ललक व्याकुलता इन दिनों ऐसे उन्माद के रूप में लोकमानस पर छाई हुई है कि उसके कारण धन ही स्वार्थ सिद्धि का आधार प्रतीत होता है। ऐसी दशा में यदि उल्टा मार्ग अपनाने का निर्णय करते बन पड़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या। मानवीय दिव्य चेतना के लिए इस प्रचलन को अपनाना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा कुछ तो कृमि कटिक और पशु पक्षी भी नहीं करते। वह शरीर चर्या के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के उपरांत प्रकृति के सुझाए उन कार्यों में लग जाते हैं जिसमें उनका स्वार्थ भले ही न सत्ता हो, पर विश्व व्यवस्था के सुनियोजन के कुछ तो योगदान मिलता ही है। संग्रह किसी को भी अभिष्ट नहीं, उपभोग में अति कोई नहीं बरतता। सिंह व्याघ जब तक भरे पेट होते हैं तो समीप में चलने वाले छोटे जानवरों के साथ भी छेड़खानी नहीं करते। मनुष्य का दर्जा इसलिए नहीं है कि वे अपनी विशिष्टता को साधनों के संग्रह और उपभोग की आतुरता में विसर्जित करता रहे। उसके लिए तो कुछ बड़े कर्तव्य निर्धारित हैं। उसे संयम साधना द्वारा ऐसा आत्म परिष्कार करना होता है
जिसके आधार पर विश्व उद्यान का माली बनकर वह सर्वत शोभा सुषमा का वातावरण विनिर्मित कर सके। जब सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी गतिविधियों को अपनाते हैं तो मनुष्य के लिए ऐसी क्या व्यवस्था आ पड़ी है जिसके कारण उसे अनावश्यक संग्रह और उच्छल उपभोग के लिए आकुल व्याकुल होकर पग पग पर अनर्थ संपादित करते फिरना पड़े। गहरी डुबकी लगाने पर इस उल्टी रीति का निर्मित कारण भी समझ में आ जाता है। भाव संवेदनाओं के स्रोत सूख जाने पर सूखे तालाब जैसी सुषुप्ता ही शेष रह जाती है। इसे चेतना क्षेत्र की निष्ठुरता या निरस्ता भी कह सकते हैं। इस प्रकार उत्पन्न संकीर्ण स्वार्थपरता के कारण मात्र अपना ही वैभव और उपभोग सब कुछ प्रतीत होता है, उससे आगे भी कुछ हो सकता है ये सोचता ही नहीं। दूसरों की सेवा सहायता करने में भी आत्मसंतोष और लोक सम्मान जैसी उपलब्धियां संग्रहित हो सकती हैं, इसका अनुमान लगाना आभास पाना तक कठिन हो जाता है। आंख खराब हो जाने पर दिन में भी मात्र अंधकार ही दिख पड़ता है। कान के पर्दे जवाब दे जाएं तो कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसी स्थिति उनकी बन पड़ती है जिनके लिए अनर्थ स्तर की स्वार्थ पूर्ति ही सब कुछ बनकर रह गई है। शरीर से चेतना निकल जाने पर मात्र लाश ही पड़ी रह जाती है, जिसे ठिकाने पर ना लगाया जाए तो स्वयं सड़ने लगेगी, घिनौना वातावरण उत्पन्न करेगी। जब तक कि शरीर में चेतना विद्यमान है वह जीवित शरीर को समर्थ व सुंदर बनाए रखती है। निर्जीव तो नीरस और निष्ठुर ही हो सकता है, मुर्दा तो समीप बैठे आश्रितों व स्वजनों के विलाप को भी नहीं सुनता, उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता, मानो उन सब से उसका कभी दूर का कोई संबंध ना रहा हो। भाव संवेदनाओं का स्रोत सूख जाने पर मनुष्य भी ऐसा ही घिनौना हो जाता है, अपना हित अनहित तक उसे नहीं सूझता, तो दूसरों की सेवा सहायता करने की उत्कंठा उठने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जीवितों और मृतकों की अलग अलग दुनिया है। मुर्दे शमशान कब्रिस्तान में जाकर घेर कर बैठ जाते हैं और उधर से निकलने वालों को भूत प्रेतों की तरह डराते भगाते रहते हैं। जीवितों में से भला कोई ऐसी हरकत करता है? उन्हें तो आवश्यक प्रयासों में ही निरत देखा जाता है। इन दिनों संवेदनाहीनों को प्रेतों जैसी और संवेदनशीलों को जीवितों जैसी गतिविधियां अपनाए हुए प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। करुणा उभरे बिना दूसरों की स्थिति और आवश्यकता का भान भी नहीं होता। इस अभाव की स्थिति में लकड़ी चीरना और किसी नर अपराध की बोटी बोटी नोच लेना प्राय एक जैसा ही लगता है। किसी के साथ अन्याय बरतने में, सताने शोषण करने में कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता। भावना के अभाव में मनुष्य का अंतराल चट्टान की तरह नीरस निठुर हो जाता है। संवेदना शून्य को नर पशु भी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पशुओं की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, जो प्राकृतिक अनुशासन के विपरीत एक कदम भी नहीं उठाते, भले ही मनुष्य की तुलना में उन्हें असमर्थ और अविकसित माना जाता है। लगता है भाव श्रद्धाहीन विहीनों के लिए नर पिशाच, ब्रह्म राक्षस, मृत्युदूत, दुर्दांत दैत्य जैसे नामों में से ही किसी एक का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की आपाधापी उस स्तर तक पहुंचती है जिनसे दूसरों के विकास विनाश से, उत्पीड़न और अभिवर्धन से कोई वास्ता नहीं रहता। उनके लिए स्वयं ही सब कुछ बनकर रह जाता है। बस चले तो वे हिरण्याक्ष देवते की तरह दुनिया के समूची संपदा समेटकर ले उड़े, भले ही उसे समुद्र में छिपाकर निरर्थक बनाना पड़े। जिनके लिए सब वीराने हैं वे किसी का कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। ऐसा ही पिछले दिनों होता भी आ रहा है। स्वार्थ अंधों में इतना भी सोचते न बन पड़ा कि इस सृष्टि में दूसरे भी रहते हैं और उन्हें भी जीवित रहने दिया जाना चाहिए। सब कुछ अपने लिए समेट लेने, हड़प लेने की विशिष्टता का फलितार्थ नहीं मान बैठना चाहिए। प्रस्तुत समस्याएं अनगणित हैं।
उलझनों, संकटों और विग्रहों का कोई अंत नहीं। यह सब कहां से उत्पन्न होते हैं और क्यों कर निपट सकते हैं, इसकी विवेचना करने पर ही इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मात्र अपने आपे तक, गिने चुने अपनों तक सीमित रहने वाला किन्हीं अन्यों की चिंता नहीं कर सकता और ना उदार न्याय निष्ठा का ही परिचय दे सकता है। ऐसी दशा में अनाचार के अतिरिक्त और कुछ बन ही ना पड़ेगा और उसका प्रतिफल अनेकों अनेक विग्रहों के रूप में ही आकर रहेगा। यही देश प्रवृत्ति जब बहुसंख्यक लोगों द्वारा अपनाई जाती है तो उसका परिणाम वातावरण को विशुद्ध किए बिना नहीं रहता। संवेदना आत्मीयता के रूप में विकसित होती है। जब मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख, अन्यों के सुखों को अपना सुख मानने लगता है, सहानुभूति के रहते ऐसा व्यवहार करना संभव नहीं होता। जिससे किसी के अधिकारों का अपहरण होता हो या किसी का शोषण शिकार बनना पड़ता हो, जब प्रचलन इसी प्रकार का रहेगा तो न दुर्व्यवहार ही बन पड़ेगा और ना किन्हीं को अकारण त्रास सहना पड़ेगा। आमतौर से अपना अपनों का हित साधन ही अभिष्ट रहता है। यदि यह आत्मभाव सुव्यवस्थित होता चला जाए, जन समुदाय को अपने अंचल में लपेट ले, अन्य प्राणियों को भी अपने कुटुंबी जैसा मान ले, अपने जैसा समझें, तो फिर वैसा ही सोचते रहना बन पड़ता है, जिससे सुख शांति का पथ प्रशस्त होता है। मात्र आतुरता और निष्ठुरता ही ऐसी दुष्प्रवृत्ति हैं जो अनाचार के लिए उकसाती हैं और उसके फलस्वरूप अनगिनत संकटों को का परिकर विनिर्मित करती हैं। यदि भाव संवेदना जीवंत और सक्रिय बनी रहे तो सृजन और सहयोग के आधार पर उत्थान और कल्याण का सुयोग सर्वत ही बन पड़ेगा।